हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बिल्कुल बाजार जैसे समोसे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। चलिए हम वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दबा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। हमने यहां पर मैदा लिया है 2 कटोरी लगभग। देखिए इस प्रकार से आपने 2 कटोरी मैदा लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हमने यहाँ 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है। यहाँ हम अजवाइन का यूज़ करेंगे जो पाचन के लिए अच्छा होता है। हमने यहाँ इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। अजवाइन से टेस्ट भी अच्छा आता है, आप अजवाइन ले सकते हैं। हमने यहाँ पर देसी घी लिया है, आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं आप। और इसे अच्छे तरीके से आपने मिला लेना है, बिल्कुल अच्छे से इसे मिलाना है। देखिए इस प्रकार से हमारा मैदा बिल्कुल मिल चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। देखिए आपने इकट्ठे पानी नहीं डालना है, आपने धीरे धीरे पानी ऐड करना है और उसे बिल्कुल मसलते जाना है। आपने इस प्रकार से इसका डो तैयार कर लेना है। इसे बिल्कुल भी क्लीन मत कीजिए, इस प्रकार से ऐसे इसका डो बना लेना है बिल्कुल। इससे अच्छा, बहुत अच्छा क्रिस्पी क्रंचनेस आएगा। और हम इसे कपड़े की सहायता से इसे ढक देंगे 20 मिनट के लिए लगभग। चलिए जब तक वो 20 मिनट होता है हमारा स्टफिंग हम तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ 1 टेबल स्पून के आसपास में हमने यहाँ ऑयल लिया है। यहाँ 2 से 3 आपने लाल मिर्च ले लेना है, उसे तोड़कर डालना है आपने। हमने यहाँ जो धनिया ले लिया है खड़ा वाला 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून के आसपास हमने जीरा ले लिया है। अब हमने यहाँ हींग का यूज़ किया है और हींग के साथ में हम यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ करेंगे 2 से 4, और अदरक चाहे तो लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। इस प्रकार से आपने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। ये लगभग हमारा भून चुका है। हमने यहाँ पर बारीक कटा हुआ गाजर ऐड किया है और बारीक कटा हुआ बीन्स ऐड किया है। आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा सा क्रंच आता है, इसलिए हमने यहाँ पर गाजर और बीन्स ऐड किया है। हमने यहाँ पर पत्ता गोभी भी ऐड किया है बारीक कटा हुआ, और साथ ही में हमने यहाँ पर मटर भी ऐड किया है, और इसे भी अच्छे तरीके से पका लेना है आपने। यहाँ पर हम नमक का यूज़ करेंगे, 1/2 टेबल स्पून नमक यूज़ किया है, और हमने 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, यहाँ कश्मीरी मिर्च 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून। आप अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। हमने गरम मसाले भी लिए है 1/2 टेबल स्पून, और यहाँ पर कसूरी मेथी को आपने ऐसे मसल के डालना है, आपने ऐसे ही नहीं डालना है, मसल के डालेंगे बिल्कुल बारीक और अच्छा हो जाएगा वो बिल्कुल से। इसे अच्छे तरीके से आपने भून लेना है इसी प्रकार से। ये लगभग हमारा भून कर रेडी हो चुका है। हम यहाँ 2 से 3 आलू लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग आलू ले सकते हैं। हमने यहाँ 4 आलू लिया है, इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। हमने कद्दूकस नहीं करना है, इसे मैश करना है। इसे भी हमने अच्छे तरीके से भूनना है, पूरे मसाले के साथ मिला लेना है। आपने यहाँ चाट मसाला भी हमने यहाँ यूज़ किया है, साथ ही में हमने पनीर बारीक कटा हुआ ले लिया है। आप चाहे तो बिल्कुल बॉयल आलू का आप बना सकते हैं, उसे इस प्रकार से भूनकर मसाले डक वगैरह डालकर। लेकिन हमने यहाँ पर साथ ही में गाजर, बीन्स, मटर, पनीर, ये सारी चीज़ें मिला लिया है, ताकि हम घर पर बना रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से टेस्ट आना चाहिए, घर वाला टेस्ट। और साथ ही में हमने यहाँ हरा धनिया भी ले लिया है। चलिए हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है, तो हम यहाँ पर समोसे का कवर बनाएंगे। देखिए हमारा मैदा बिल्कुल 20 मिनट हो चुका है, रेडी हो चुका है। इसे अच्छे तरीके से आपने वो मुलायम कर लेना है। देखिए इस प्रकार से आपने समोसे के ढो को बिल्कुल ऐसे रोटी आकार में आपने इसे ऐसे बराबर भागों में बांटने के लिए इसे हल्का सा आटे को आपने लंबा कर लेना है इस प्रकार से, और बराबर भागों में इसे चाकू की सहायता से काटना है। देखिए हम इस प्रकार से काट रहे हैं ताकि हमारे समोसे बराबर बन सके। आपने इस प्रकार से ऐसे रोटी के आकार में ऐसे गोल घुमा लेना है, और इसे आपने बेलन की सहायता से इसे बेलना है। देखिए इस प्रकार से, चलिए देखते हैं। आपने इसे रोटी के जैसे गोल नहीं करना है, इसे लंबा
हम बेलेंगे, एक रोटी के हम दो भाग करेंगे। देखिए इस प्रकार से आपने लंबा बेलना है और इसके दो भाग ऐसे बना लेना है। देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से सारे आपने रोटियों को बना लेना है। और साथ ही में हमने यहाँ पानी लिया है, पानी को लगाएंगे हम। देखिए इस प्रकार से एक रोटी लेना है, इसके सभी साइडों में पानी लगा लेना है ताकि ये फ्राई होते टाइम खुले ना। देखिए इस प्रकार से आपने मोड़ना है उंगलियों की सहायता से, स्टफिंग इस प्रकार से। देखिए पानी लगाने से यह खुलता नहीं है, इसीलिए हम पानी लगाते हैं और चम्मच की सहायता से हम स्टफिंग जो हमने जो बनाया था वो स्टफिंग हम बना इसमें भर देंगे। देखिए इस प्रकार से, आपने ज़्यादा भी नहीं भरना है ताकि ऊपर से भी इसी ये चिपक सके अपने अकॉर्डिंग। और इसमें और अच्छे तरीके से पानी लगा लेंगे और इसे इस प्रकार से आपने उंगलियों की सहायता से ऐसे मोड़ लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार से आपने मोड़ना है। ये हमारा समोसा बिल्कुल बनकर रेडी है। इसी प्रकार से हमने यहाँ 10 से 15 समोसे बना लिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया समोसा लग रहा है। तेल हमने को मीडियम फ्लेम में होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से हल्के हल्के बबल निकले। इस प्रकार में आपने तेल को गर्म रखना है, आपने तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बिल्कुल लगभग देखिए इस प्रकार से आपने बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए, गुनगुना टाइप से। देखिए इस प्रकार से हमारे बबल निकले, इतना ही गर्म होना चाहिए हमारा तेल। और पलटे को हमने नीचे रखा है ताकि ये जले ना। देखिए इस प्रकार से, और आपने चलाते जाना है। लगभग हमारा 20 मिनट लगभग हो चुका है, 20 से 30 मिनट के आसपास होने लगा है मीडियम टू हाई फ्लेम में हमने समोसे। और देखिए हमारा समोसा बिल्कुल बनकर रेडी है, कितना बहुत बढ़िया कलर आया है और देखने में भी कितना खूबसूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारी रेसिपी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और